अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे जिक्र किया है कि मैं कुछ वेजिटेबल्स लाई थी, वो मैंने बना के रखनी थी। तो आज संडे है, बच्चे उठ गए, ब्रेकफास्ट किया और मैंने जल्दी जल्दी से जो ना देखे मेरा सालन भी रेडी हो गया, क्योंकि मेरी गोभी भी मैंने इसको बॉयल करके रख लिया था और जो है मेरा जो है ना सालन रेडी होने वाला है। और आज संडे और मैंने ज़रा जाना है अपनी एक फ्रेंड के घर मियाँ साहब के साथ, और फिर मैंने एक जगह और जाना है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो देखने के लिए मेरा व्लॉग पूरा देखें, जानने के लिए मेरा व्लॉग पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, मैं घर से जो है ना निकल गई हूँ, ना अजीमल जो है ना वो घर पर, उनको मैं नहीं लेके आई क्योंकि फिर ना वो तंग करती हैं और वैसे भी ज़रा ज़्यादा चलना पड़े ना तो अजीमल तो बहुत जल्दी थक जाती है। तो इस वजह से मैंने इनको जो है ना घर छोड़ा और अब मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टे करूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊँगी कि हम मसाला फेस्टिवल पर गए और मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी दोस्त के घर आ गई थी, उसके मुझे कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि अभी तक आई नहीं, हम वेट कर रहे हैं चाय पे। तो यहाँ पर उसने घर में ही बनाई हुई थी ये एक काले चनों की चाट थी बड़ी मज़े की, और दही भल्ले थे घर में बनाए हुए और समोसे बाहर से मंगवाए थे उसने। तो बस फिर हम लोगों ने चाय पी, गपशप लगाई और बड़ा मज़ा आया, टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद हमने फेस्टिवल पे जाना था तो फिर हम लोग वहाँ निकल गए। तो काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 7:30-8 हो गए थे। मियाँ साहब भी कह रहे थे कि रहने देते हैं, तकरीबन 7:45 हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं, अब हमने जाना तो है, मैं हर साल ही तकरीबन हम जाते हैं इस फेस्टिवल पे ना। तो बस फिर इतना रश था रास्ते में, बहुत ज़्यादा रश था, एक तो संडे था और ऊपर से एक्सपो में भी इतना रश जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस खैर, हमें तो जो ऐसा लग रहा था कि पार्किंग भी मुश्किल ही मिलेगी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना वेट करते रहे और फिर हम जो है ना पहुंच गए आखिरकार अंदर। तो बस अंदर भी बेइंतहा रश था, यहाँ तो ऐसा लगता था लेकिन जैसे सुबह के लोग आके बैठे हुए हैं, ज़मीनों पे लोग बैठे हुए थे। तो खैर, टिकट्स वाली साइड पर इतना रश नहीं था। तो बस फिर मियाँ साहब जो है ना वो टिकट्स लेने चले गए, और आप लोगों की लाइन्स चेक करें जो साइडों पर हैं, और बहुत आवाम थी बाहर भी और अंदर भी। खैर, हम लोगों ने वहाँ से फिर टिकट्स ली और हम चले गए अंदर। और बस अब हमने कहा कि चले चक्कर लगाते हैं, ये प्रमोशंस होती हैं चीज़ों की, और मतलब काफ़ी चीज़ होती है। हम तो खैर, ये 2 डेज़ की थी, सैटरडे संडे, तो संडे को भी हम 8 बजे आए, तो काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई थी। और जो है काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पे निकलती हैं इनामों में भी, और लोग कंपटीशंस पे होते हैं और लोग तकरीबन पूरा पूरा दिन स्पेंड करते हैं यहाँ पर आके। और बस फिर हम लोग अंदर चले गए कि विज़िट करें। तो बस हम लोगों ने घूमना ही था, बच्चों को इसलिए नहीं लेके आई थी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है और एक्सपो में बहुत ये बड़ा है तो फिर वो तंग होती हैं। तो मैंने कहा चलें, ये देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी हद तक जो है ना नीचे गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी हम तो देर से आए ना और 10 बजे ख़त्म हो जाना था। तो डिफरेंट ब्रांड्स की लॉन्चिंग थी और प्रमोशंस थी, तो बस वही हम लोग जो है ना देख रहे थे कि हर तरह का ब्रांड खाने पीने वाला, और सब बैठे हुए थे और खाना पीना भी चल रहा था, कंपटीशन्स हो रहे हैं और बस बहुत कुछ था। तो बस हम लोगों ने पूरा हॉल का सर्कल जो है ना चक्कर लगाया और हम देखते रहे। यहाँ पे भी वो लोग जो है ना वो मसाला फेंक रहे थे, जो चैनल के शेफ्स हैं वो भी, और शीरी आपा तो हमें मिली नहीं, जिनको मैंने देखने के लिए हर साल आना होता है क्योंकि मुझे इस दफ़ा लेट बहुत हो गया। खैर, यहाँ पे भी जो है बस हम लोगों ने घूम फिर के फिर हमने कहा बाहर की तरफ चलते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर किड्स जोन बना हुआ था बड़ा अच्छा और बड़े प्यारे प्यारे, मैंने नाजमल को बड़ा मिस किया इस जगह पे ना आके, लेकिन इतना रश होता है और फिर वो चलती नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं ले के आती उनको। तो खैर, अब हमने कहा कि बाहर चलते हैं कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो फिर हम इस तरह किड्स जोन की तरफ चल पड़े। यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा डेकोरेट किया हुआ था और रश भी बेइंतहा रश था, और राइट लेफ़्ट जो है ना वो खाने पीने के स्टॉल्स थे और इतने लोग बैठे हुए थे, लोगों ने चेयर्स पे कब्ज़ा किया हुआ था, और बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, और दरमियान में उन्होंने ये राइड्स भी लगाई हुई थी, झूले भी थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। इस वक्त भी बहुत ज़्यादा रश था और सामने हो रहा था कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट पर आया हुआ था आसिम अज़हर, तो बस अभी उसने आना ही था तो उसी का वो चल रहा था काउंटडाउन। तो हम भी खड़े होकर देखने लगे, काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, साथ वीडियोस बना रहे थे
और इतना रश था कि करीब तो पहले जगह ही नहीं मिली, तो हम भी काफ़ी देर दूर ही खड़े रहे, मैं और मियाँ साहब भी। और बस फिर हमने कहा देखें, थोड़ी देर अभी तक तो वो आया नहीं था और अभी बस पीछे ही चल रहा था सारा, और लोगों की जो है लाइनें लगी हुई हैं ऊपर भी चढ़ के, लोग चेयर्स के ऊपर चढ़ के और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर चढ़ के जो है ना देखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर फाइनली जो है आसिम अज़हर जो स्टेज पे आ गया था, पहले तो हम लोग ऐसे पीछे खड़े रहे, फिर हमने थोड़ी सी जगह मिली तो हमने कहा चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं, शायद कुछ करीब से कुछ नज़र आ जाए। तो बस लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और मौसम भी चूँकि अच्छा था और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी क्योंकि क्राउड भी इतना था, तो सर्दी तो पता ही नहीं चल रही कहाँ थी, लेकिन ये कि गर्मी भी नहीं थी, अच्छा मौसम था लेकिन बहुत रश था। तो हम फाइनली आगे पहुँच गए। अच्छा मैं एक बार फिर पूछूंगा, कौन कौन आज लाहौर अपने जिगरों के साथ आया है और कौन कौन यहाँ पे अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है? ऐसे हाथ ऊपर करके दिखाओ। Let's see if you guys can guess the song. खैर 10 मिनट हम लोगों ने बस कॉन्सर्ट देखा और बस देर भी हो रही थी क्योंकि सुबह मंडे था, बच्चों ने स्कूल जाना था। बस फिर हम लोगों ने कहा थोड़ा सा कुछ खाया जाए, बस हम लोग राउंड लगा रहे थे, काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हो गई थी, पहले भटूरे खाने के बारे में सोचा, फिर हमने कहा चले बर्गर खाते हैं आज, फिर हम लोगों ने ना शामी बर्गर के ही बारे में सोचा, हर चीज़ थी खाने पकने वाली, हर चीज़ थी मतलब हर तरह की चीज़ थी, लेकिन बस फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम जो है ना शामी बर्गर खाते हैं। पहले हम लोगों ने राउंड लगाया सारा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या नहीं है, फ्राइज़ और ऐसी चीज़ें खाने को दिल नहीं चाह रहा था, बस कॉन्सर्ट भी चल रहा है सारा कुछ चल रहा है। तो बस फिर मियाँ साहब ने कराची बन बर्गर था तो उस पर मियाँ साहब ने ऑर्डर कर दिया, फिर हम खड़े रहे पास ही खड़े रहे, कॉन्सर्ट चल रहा था, लोग इन्जॉय कर रहे थे कॉन्सर्ट भी और साथ फूड को भी इन्जॉय कर रहे थे, और बस हमें भी मज़ा आया, हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजारा, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हमें लगा था, बस हमने भी तकरीबन राउंड लगाया, तो यहाँ पे हमारा बर्गर बन चुका था। बस फिर हम लोगों ने अपने बर्गर्स पकड़े और फिर हम खाते खाते ही जो है ना बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि घर से भी इतने सारे फ़ोन आ रहे थे नायज़ मल के, बर्गर अच्छा था मज़े का था, तो बस फिर हम लोगों ने इससे ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं लगाया क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चों ने और वेट नहीं हमारा करना था। और बस फिर हम लोग जो है ना वापसी की तरफ निकल रहे हैं, आप देखें किस कदर गंद और लोग कैसे ज़मीनों पे बैठे हुए हैं और बहुत बुरा हाल हो गया था, बस अब सब अपना सामान इकट्ठे कर रहे थे, लोगों ने इतने कोई पैम्पर्स के पैकेट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ पकड़ा हुआ था, बल्कि वहाँ पर कोई
कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, एक दो लोगों के ड्रायर्स भी निकले हैं, यानी ऐसी चीज़ें भी थी। वो लोग जो सारा सारा दिन आगे एंजॉय करते हैं ना, वो ज़्यादा मज़ा करते हैं और पैसे भी पूरे कर लेते हैं टिकट्स के। हमने तो हार्डली घंटे से डेढ़ घंटा गुजारा। बस क्या करना था, बस ऐसे घूमना फिरना ही था, क्योंकि देर बहुत हो गई थी तो कोई शेफ़ भी नहीं मिला और ऐसे हमें तो मतलब ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली। खैर लेकिन मज़ा बहुत आया, अच्छा टाइम हमने जो है ना स्पेंड किया वहाँ पर। तो बस फिर उसके बाद अनाया सिमल जो है ना फ़ोन करी थी बार बार, और बच्चों के स्कूल भी थे तो बस अब सब लोग ही वापसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे ये बंद हो जाना था। और लोग काफ़ी तादाद में यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि डिस्काउंट्स भी चल रहे होते हैं और कुछ नए ब्रांड्स भी लॉन्च होते हैं। तो बस फिर हम घर पहुँच गए थे। फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ, तो ये अनाया सिमल ने जो है ना ये मेरे लिए केक बनाया था, और ये अनाया सिमल ने मेरे लिए बुके बनाया, इतना प्यारा। अनाया बहुत क्रिएटिव है बच्चा मेरा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनाया ने ड्राइंग इतनी प्यारी मेरे लिए बनाई है और साथ ये बुके खुद से बनाया, वाओ थैंक यू अनाया। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। आई होप हाँ जी, और आई थिंक आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।